अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैर खरिया से उम्मीद करूंगा कि सारे देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खरिया से होंगे। दोस्तों मौजूद हैं आज समुद्री में और मेरे साथ हैं सबील हसन खान, रजा खान और कैमरे के पीछे जी तुसीफ हसन खान और मियां फैसल साहब के स्टार्ट फॉर्म पे हम आए हुए हैं। माशाल्लाह इससे इनका बेहद खूबसूरत शौक़ है घोड़ों का, कुत्तों का, परिंदों का और पोल्ट्री का भी इनका बड़ा बेहतरीन काम है। ले जी व्लॉग तो मैंने शुरू किया शाम टाइम, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज का व्लॉग मेरा कंप्लीट हो जाए क्योंकि पिछले 15 व्लॉग मेरे ऐसे ही रह गए। नहीं, आज मैं भी कोशिश करूंगा कि इनका व्लॉग जो है वो कंप्लीट करवाऊं। सेटिंग कर रहे हैं जी, कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, सेटिंग कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जी। देखिए क्या करी जरा बादल शादल भी हैं थोड़े से, तो वो उस वजह से थोड़ा मियां साहब आओ जरा, लाइट का इशू हमें आ रहा है पर हम कोशिश करते हैं इसको मैनेज करने की। बिठाएं जी, करें शुरू जी। अच्छा कर रहे देख के भी, चलो वीडियोस वगैरह देख के या चीजा देख के अच्छा टाइम गुजर जाता है। दोस्तों अच्छा काम वेखन मिलेगा जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह और एक अलग रंग इस करांगे पेश और इस खेड़ का जो शौक है ना उन्हें वधावण वास्ते जिन्नी साड़ी कोशिश हो सकी असीं ओ करांगे। इंशाल्लाह मैंने इरादा कर लिया कि मैं यूनिवर्सिटी वाले मेले में इंशाल्लाह मैं सवारों के साथ होऊंगा, इंशाल्लाह अपने क्लब में होऊंगा जनाब। हां जी पहला घोड़ा मैं 5000 दा लिया सी जी, मैं 7 साल दा जदों दा घोड़ियां दे मगर की शौक। अच्छा अपने दो घोड़े पिछले एक नुकरा सी एक तेलिया कपाल सी रोड ते उन्हें मैं लाया सी। अच्छा जिवें इहनूं लाउंदा पिया ना जी उह वी रोड ते सी। कमी गड्डी कित्थे खड़ी दूजी पीछे जर्मन शेफर्ड भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। मियां साहब का कमाल का शौक है, हर चीज जो इनके अंदर से आवाज आती है ना वो इन्होंने पूरी की हुई है अपनी। इस तो बाद फिर ना कि ट्रांसफर कर 18 दिन स्टार्ट होने के बाद।
अच्छा ठीक 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 निकलने का अमल शुरू होता है, फिर अंडा इधर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से कुछ चूजे जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा जी, आज एक यूनिक चीज आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इनकी जो मेल और फीमेल है उसका भी ताइयन छोटे चूजे से हो जाए, छोटे चूजे से। हाँ, सानों के जल तक कुकड़ बांग नहीं देता तो पता नहीं लगता। छांटी कर ली थी लेकिन हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, सानू दसो भी सही ना भाई, किवें पता लगता भाई मेल दी की निशानी है ते फीमेल दी की है? दो तरह हुंदा, एक वेंट हुंदा, एक फैदर हुंदा। अच्छा, ये फीमेल है। हाँ जी, उसने पास किया है तुम्हें बड़ी। अच्छा, ये फीमेल है जिसमें बराबर है एम मेल। अच्छा, मतलब एज इन दी इक्को जैसी है? हाँ जी, इक्को जैसी। हाँ जी, जी फीमेल जो होती है ना उसके पार थोड़े थोड़े से निकले होते हैं, यही सेम होती है, और मेल के ये वाले पार आप देख रहे हैं ये वाले अभी नहीं निकले, यहाँ से ये बराबर हैं। ये चूजे निकल के आ रहे हैं और अभी इनके जेंडर का तयन कर रहे हैं और अभी से ही इनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन इनकी शुरू कर दी है। अच्छा, ये मिकदार जी ऑटोमेटिकली हो जाती है? मेरा तो आज पहले दिन का एक्सपीरियंस था इस तरह के बड़े ब्रीडिंग सेटअप में, और बड़ा मज़ा आ रहा है जी। मियाँ साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताई हैं इनके वाले से बातें, और एक मशवरा मेरा भी है मियाँ साहब के लिए, उन्हें दसा कि ठहर के बताएं जी, बताएं मियाँ साहब तुसी ना मकाओ के उत्ते काम करो। जानते सगीर भाई आ जाओ पिल्ला लगा दे। ये जी इनका एग रूम है, यहाँ से जो अंडे हैं वो हैचरी में जाते हैं,
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ 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 ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਸਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਡਾ ਜੀ लेकिन दूसरे अंडे जो अंडा छोटा हों भी अस बहर क खाना आ गया जी खाना रेस्टोरेंट पे मियां साहब ने बड़ा पुरतकल्लफ खाने का अरेंज किया जी थैंक यू जी मियां साहब घोड़िया की खास तौर लोग कहते हैं हत्था पैरां दी साफ कई बंद हूं कह लग गए ना असीं नहा के हूं ही बनी है हत्था पैरां दी साफ ते होनी लाइटिंग शेड्यूल सारा कुछ शो हो रहा है बट पानी कितना कंज्यूम किया और फीड कितनी कंज्यूम की है ये चीज शो हो रही है अच्छा फीड भी इतना कंट्रोल होती है फीड भी इतना ही कंट्रोल होती है फीड दे इतने टाइमिंग कंट्रोल होती है और दूसरी कमांड जड़ी होती है वो सिस्टम लगा हुआ है जिद नाल टाइम एक घंटे बाद फीड ट्राली जाती है एक घंटे बाद वापस आती है बाकी लाइटा मैं ऑन कर दी अंदर लाइटा ऑन कर दूँ ਉਥੋਂ ਅੰਡਾ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਡਾ ਇਸ ਬੈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਅੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਲਟ ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਕ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 8 ਲੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 8 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ 8 ਟੀਅਰ ਹੈ ਇਹ 8 4 ਹੈ ਨੀਚੇ ਔਰ 4 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਟੀਅਰ ਔਰ ਇਹ 8 ਟੀਅਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਟੀਅਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਮਨੀ ਫੈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 6 ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ छत के अंदर पकाया उस छत के अंदर 6 टीयर
ਉਧਰ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ जी मियां साहब के मुर्गियों वाले फार्म हाउस पे आ गए हैं जी। यहाँ पे अंडे देने वाली मुर्गियाँ, ये देखें जी, ये वाला अंडा सुबह आपको दुकान से मिलता है और यहाँ से जाता है। और ये फुली हाई फाई जो है ना जी, पोल्ट्री फार्म है और हर चीज़ जो है वो मैनेज की हुई है और ऑटोमेटिक है। यहाँ पे अंडा जो है वो भी ऑटोमेटिक बेल्ट पे जाएगा आगे, इनकी फीड जो है वो भी ऑटोमेटिक है, इनकी वेस्ट जो है वो भी ऑटोमेटिक है, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक है। सभी साहब पहले कभी देखा है इधर का? नहीं, बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, ऐसा इतना मुनज़्ज़म तरीके से और इतना अच्छे तरीके से। हम अगर नेशनल ज्योग्राफिक की या डिस्कवरी टीवी की डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे तो उसमें ये दिखाते थे कि किस तरह से एक अंडा जो है वो प्रोसेस होकर अंदर आता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो अभी डॉक्टर ने हमें बताया, ये सब बता रहे थे कि किस तरह से ये इनकी बाकायदा ब्रीडिंग होती है और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आते हैं, फिर इनकी फीड का टेम्परेचर जिस तरह से मैनेज किया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये, मैंने आदतन मास्क लिया हुआ है, हम सब लोग मास्क के बगैर खड़े हुए हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई वो स्मेल नहीं है, वरना इतने जानवरों में इतनी मुर्गियों में इस तरह से खड़े होना आप खुद समझते हैं कि कितना मुश्किल है। तो हर चीज़ को अपने तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है और इस सब का जो कंट्रोल है वो सिर्फ एक छोटे से कमरे में है, ऐसा ही है, छोटे से बल्कि बॉक्स में है कि उसमें ही आपका जो है वो टेम्परेचर वहीं से कंट्रोल हो रहा है, जो फीड है उसका भी कंट्रोल वहीं से है, जो वेस्ट है इसका उसका भी। तो बड़ा बड़ा मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो चीज़ें जो कभी कभी बचपन में देखा करते थे कि किस तरह से प्रोसेस होके आती हैं, उनको हम लाइव उस तरह से देख रहे हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक लाजमी करना है। सभी रोज सर क्या कहेंगे आज के? बड़ा अच्छा साहब के सेटअप, बड़ा प्रोडक्टिव दिन आज गुजरा। एक तो काम अपना किया हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है साहब ने। और तीसरी जो बात है पोल्ट्री के सेटअप की, यूनिक काम वो बड़ा यूनिक और बड़ी नई चीज़ें थी, जैसा कि वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि वो वैसे देखना कुछ और है और फिज़िकली लाइव उस सारी चीज़ का एक्सपीरियंस करना जो है वो कुछ और है। तो बड़ा एक प्रोडक्टिव दिन था हमारा, बिल्कुल जी कोई शक नहीं है। और बड़ा मज़ा आया जी आज, खासकर आज के दिन। और उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही लोग अच्छे अच्छे मिलते रहे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जब आप नीयत साफ करके घर से निकलते हैं तो लोग अच्छे ही मिलते हैं। और मेरे ख्याल में अब तक मैं तो जितना आपके साथ आया हूँ मुझे तो बड़े पॉजिटिव और बड़े अच्छे लोग जो है वो कोई शक नहीं, बिल्कुल इसी तरह वो लोग बड़ा प्यार करते हैं, लोग जो हैं वो इंतज़ार में होते हैं हमारे, कोई शक नहीं है इसमें। ले जी, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसके साथ ही अपने दोस्त सगीर अब्बास और सभी रसन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।